पतंगबाजी से घायल परिंदों के इलाज के लिए रक्षा संस्थान और अन्य एनजीओ की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। मकर संक्रांति पर गुलाबी नगर में कई एनजीओ की ओर से पक्षी चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां पिछले 3 दिन में 300 से ज्यादा घायल पक्षियों को लाया गया है। मांझे की डोर में उलझकर पक्षी तड़प रहे हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने लिया है ऐसे ही एक पक्षी चिकित्सा शिविर का जायजा। पतंगबाजी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है, लेकिन यह है पतंगबाजी किसी बेजुबान के लिए जानलेवा हो जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। देखिए, इस समय हम खड़े हैं रक्षा संस्थान के उस शेल्टर में, जहां पर बेजुबान परिंदों को जो पतंगबाजी, खासकर चाइनीज मांझे की डोर में उलझकर जो अपनी निश्चित तौर पर ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, इससे बहुत सारे ऐसे पक्षी मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ लगातार शेल्टर्स में, यहाँ पर ये रक्षा संस्थान का शेल्टर है जहाँ पर लगातार पक्षियों को लाया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और देखिए, खास बात यह है कि ये बार बार अपील की गई है पर्यावरण विभाग की तरफ से, वन विभाग की तरफ से इस बात की अपील भी की जा रही है बार बार कि कम से कम सुबह और शाम जब पंछी अपने नीड से निकलते हैं और वापस अपने नीड़ों को लौटते हैं, तब तो कम से कम पतंगबाजी ना की जाए। कल मकर संक्रांति का त्यौहार भी है, ऐसे में हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ ये आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई जो जिसको दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही है वो कबूतर हैं। कबूतर सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं पतंगबाजी का, यहाँ लगातार इनका इलाज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा काइट्स, चील भी हैं जो लगातार घायल हो रहे हैं और उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं दोनों तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरह के यहाँ जो बर्ड्स हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, ट्रीटमेंट की किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। बर्ड्स ज़्यादातर पिजन्स आ रहे हैं, कबूतर आ रहे हैं, उसके बाद काइट्स भी आते हैं, कुछ पैराकीट्स भी आते हैं, हर तरह के बर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है पिजन्स आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह हम लोग दाना खिलाते हैं हर जगह मंदिर के पास, तो पक्षी कबूतर जो ज़्यादा मिलते हैं और बहुतों में घायल हो रहे हैं वो पंछी। तो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे, कौन सी मशीनरीज, कौन से इक्विपमेंट्स इस तरह के, जिनसे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जिनसे जल्दी से ये इनको ट्रीटमेंट भी मिल सके और इनकी जान ना जाए? हमारे पास जो है बड़े पक्षियों के लिए जो खास करके वाइल्ड बर्ड्स हैं जैसे काइट्स हैं, इनको हम लोग जो सर्जरी करते हैं, ये हमारा एनेस्थेसिया मशीन है। एनेस्थेसिया मशीन के साथ साथ हमारा जो वेंटिलेटर है, ये वेंटिलेटर जो इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर कहलाता है, ये जो वेंटिलेटर जो है प्रेशर कितना बर्ड्स को चाहिए जो सांस लेने के दौरान वो मेंटेन करता है। तो इस तरह हम क्या है कि कैजुअल्टी जो बर्ड्स में जो है हम अगर एनेस्थेसिया का होगा तो पेन भी होगा, जो हम इस एनेस्थेसिया मशीन से एनेस्थेसिया देने के बाद जो हम जैसे ये बर्ड्स है इसके जो पैटेजियल लेसरेशन है, इसका लिगामेंट जो है पूरा मांझे धागे से कट गया है और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई है, तो हम लोग उसको रिपेयर कर रहे हैं एनेस्थेसिया के अंदर में। और ये मशीन हमारा जैसे वेंटिलेशन में इंस्पिरेशन रेट, वो प्रेशर जो हमें दिखा रहा है, उस तरह से हमें प्रॉपर जितना इंस्पिरेशन में हमें प्रेशर चाहिए वो हम उस मशीन से मेंटेन करते हैं। मशीन से मेंटेन करें। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये चील है जो चाइनीज मांझे में उलझ कर जिसके पर कट गए हैं, और जो बाहर से भी खासकर ब्रिटेन से जो डॉक्टर आए हैं वो भी लगातार यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। तो देखिए, बेजुबानों की मदद के लिए सात समंदर पार से भी यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, और एक हमको भी हमारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समझनी होगी, इसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब है। दूसरी जगह भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं कि किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए, ये जो कबूतर जो घायल था उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बताएंगे आप किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? इसका विंग लैसरेशन हुआ है, बिकॉज ऑफ मांझा इसका विंग लैसरेशन हुआ है, तो हमने सूचर्स लगाए हैं, सिंपल इंटरप्टेड एंड सिंपल कंटिन्यूस सूचर्स, एंड दैट्स इट। और अभी हम फिगर ऑफ 8 बैंडेज भी करेंगे। अच्छा, देखिए, और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा लगातार किस तरह से तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, तमाम जो वेट्स हैं, ये किस तरह से इसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इनमें से कुछ पक्षी इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि उनकी जान भी चली जाती है। देखिए, लगातार ये यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी इस तरह से ट्रीटमेंट चला। कितना अभी तक आए यहाँ पर बर्ड्स? कल 30 के समथिंग पिजन्स थे और कुछ वो वल्चर का उधर चल रहा है, आज भी काफ़ी लोड है, ये इसमें पिजन्स रखे हुए हैं सबके, कुछ नीचे कुछ को ट्रीटमेंट कर दिया। वैसे क्या किसी की डेथ भी हुई? नहीं, डेथ क्रिटिकल कंडीशन होती है उनमें हो जाती है, बाकी लगभग अभी सबको रेस्क्यू किया जा रहा है, मतलब ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इनको रिलीज कब करेंगे? अभी जो ज़्यादा सीरियस है उनको 1-2 दिन रखेंगे, उनकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर करेंगे, उसके बाद में हम उनको रिलीज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं लगातार कोशिश ये की जा रही किसी भी पक्षी की जान ना जाए। यहाँ दर्जनों की संख्या में जो तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, तमाम जो
वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर जो बाहर विदेशों से भी रक्षा संस्थान से जुड़े हुए जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ आकर के कोशिश कर रहे हैं कि पक्षियों की जान आ जाए। लेकिन हम भी एक बार फिर हमारे चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहेंगे कि आप सुरक्षित पतंगबाजी करें, खासकर सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब पंछी अपने नीड से निकलते हो नीड पर वापस लौटते, कम से कम उस समय तो पतंगबाजी ना की जाए, और चाइनीज बांझे का इस्तेमाल तो कम से कम करें ताकि इन बेजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।